सत श्री अकाल जी दोस्तों, मैं करमवीर सिंह, थोड़ा स्वागत है मेरे चैनल करमवीर साइकिलिस्ट। अज 5 नवंबर, कल दिवाली मना के उरों तो अज 5 नवंबर निकल चलिया निकल गया दरबार साहब के बारी खड़ा हजूर साहब। अज की जी राइड है काफ़ी लंबी है, 180-185 के करीब है। तो इतों हूँ मैं जिस साइड गोवा में जाना उतों तुरन लगे गुरुद्वारा साहब तो सवेरे के 6 बज चुके हैं। तो बाकी तुसी गलबात थोड़े ना करते रहेंगे। दोस्तों जिथे मैं पहुँचा है इस जगह नूं जिला नंदेड़ पैंदा है, तो जगह नाम है कंदार। इत्थे पहुँच चुके हैं, 40 किलोमीटर सफ़र अज दी रेट हो चुके। इतों जिहड़ी अगली है वह भी 40-45 किलोमीटर लोकेशन है। तो एक पिछे महल सी, एक महल पुराना महल, वो का किस चीज़ का है? एक महल है पीछे बहुत पुराना, ये किला है। हाँ किला, वो किसका है? वो शिवाजी का किला। आपने खुद जो जान अंदर जिहड़ा एक पिछे दोस्तों एक किला सी वो शिवाजी महाराज जी का, जिथे वो आप रहिंदे सी, काफ़ी बड़ा किला सी। ते जान नूं रास्ता नहीं था मन अंदर नूं दिखिया। ते उन्हां दा ये शहर है, शिवाजी महाराज का शहर है जिथे मैं अज पहुंचा है करनाल। ते बहुत वधिया शहर है, काफ़ी बड़ा शहर आ। ते सवेर दे 9 बज चुके आ हुण, इत्थों मैं चलन लग्या अगले रास्ते नूं। ते मिलदे दरगाह दोस्तों राइस जो होटल दे विच खा रहा जी, उस टाइम मैंने सर मिले है, मतलब पंचायत इस जगह दे गाँव जो पिंड आ, इस पिंड दे पंचायत दे मैंबर आ। ते सर क्या नाम है गाँव का? डिगरस बीके गाँव है, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़। डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ साहब च पैंदा ही है पिंड, मतलब काफ़ी अगे आके आ नांदेड़ तो 80 किलोमीटर अगे आए। 80 किलोमीटर का सफ़र मैं अज की राइड का कर चुके हैं। ये सर लेके आए हैं, इतने सारे पिंड लोकी आए हुए, तुसी देख सकते हो। ये कहते भी सत्कार हो गए, ये सर पुलिस ऑफिसर हैं जेड़े सर इधरली सर बैठे हुए सब ते आखिरी। तो पंचायत आ रहे हैं, तो कहते भी थोड़ा सत्कार करना थोड़ा, मैनू बहुत वधिया लग्या। सर कुछ जो लोग मुझे देखते हैं यूट्यूब पर, उनको कुछ मैसेज कुछ कहना चाहते हो आप अपनी तरफ से? कुछ मैसेज कोई भी देना चाहते हो मेरे लिए या कुछ भी? सर से भी पूछूंगा पहले, आप कोई मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डिगरस ग्राम पंचायत से एक सोशल वर्कर प्राध्यापक ज्ञानपुरी JS बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह इनकी हमारी मुलाकात हो गई रास्ते पे, इनो जा रहे थे, हम यहाँ रुका के उनको पूछे कि आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है बोल के पूछे हमने। तो उन्होंने हमारे पास रुक के पूरा बता दिए कि वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरा भारत भ्रमण करने का है, ऐसा उन्होंने बोल दिए। तो इसलिए हमारे ग्राम पंचायत के तरफ से
टोटल गांववासियों की तरफ से यहाँ उनका सत्कार करना और उनको आगे भेजने के लिए मोटिवेट करना और उनकी सारी बात यहाँ सुनकर उनको सत्कार कर ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के तरफ से उनका सत्कार करके उनको आगे भेजना है। यहाँ पुलिस पाटिल आए हैं, गांव के मुखिया आए हैं, सरपंच और सोसाइटी के चेयरमैन सुनील चिद्रावर साहब आए हैं और हमारे गांववासी पूरे यहाँ इकट्ठा हुई है, तो उनका शुक्रिया अदा करके उनको शुभेच्छा देके उनको आगे भेजने के यहाँ तजवीज कर दी है। हाँ, बाद में बोलेंगे पुलिस पाटिल। मैंने भी बहुत खुशी है, थाने दिखाऊंगा मैं, काफी लोग आए हुए हैं देख सकते हो सारे। हेलो आया कल सर दे देखो देखो सर देखो सर दोस्तों ये जो सर है पुलिस ऑफिसर है महाराष्ट्र सर। हेलो कुछ बोली तुम्हें। नमस्ते, मैं दिग्रस कंधार तालुका नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ये हमारे करमवीर सिंह हमारे दिग्रस आए हैं, उनका हमारे गांव की तरफ से शाल सिर पर देख सत्कार करके यहाँ भेज रहे हैं शुभेच्छा बस। दोस्तों थोड़ी देर कहने से जिले होर बंदे वह भी आने लगे है, तो मैं बहुत खुशी है। सारे पिंड वाले इकट्ठे हुए, नौजवान आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, तो सर पंचायत ये सर मतलब राधा रब ने मेल करवाता, भगवान ने मेल कराया हम दोनों का। मतलब देखिए मैं वहाँ पर खाना खा रहा था, आपने मुझे बुलाया, मुझे पता नहीं था भी ये चीज़ हो जाएगी रास्ते में। नंदेड़ से आया और गुरुद्वारा साहब में आप देखिए आगे आगे कितनी बड़ी चीज़ होगी। आप सबसे लोगों के साथ मिला, ये एक सर हो रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये सर भी हेलो, काफ़ी बातें की मेरे साथ। सर कुछ आप बताइए मुझे अपने बारे में। कुछ नहीं भैया, मेरे करण सिंह बड़े भाई है, इनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मिलते ही थोड़ी ज़्यादा कहना थे, होर बंदे भी आने लगे है, देता लेना कर देगा बस फिर मिलकर। आपल्या दिग्रस नदीमध्ये पंजाब येथून करमवीर सिंग यांचा आगमन झालेला आहे। ते संपूर्ण भारत भ्रमण करण्यासाठी सायकलवर त्यांचा प्रवास सुरू झालेला आहे। जवळपास एक महिन्यापूर्वी ते सायकलवर प्रवास करत पंजाबहून निघालेले आहेत। त्यांचा जवळपास आता 5,500 किलोमीटरचा प्रवास झालेला आहे। इथून दिग्रस येथून ते पुढे आता उदगीर मार्गे बिदरहून गुलबर्गा आणि सोलापूर मार्गे गोवा या ठिकाणी त्यांनी जाणार आहेत। त्यासाठी आपल्या दिग्रस ग्रामपंचायतच्या वतीने व संपूर्ण गावकऱ्यांच्या वतीने करणवीर सिंग यांचा छोटेखानी या ठिकाणी सत्कार आयोजित केलेला आहे। त्यासाठी मी आपल्या गावचे पुलिस पाटील व चेअरमन साहेब यांना मी विनंती करतोय की त्यांचा सत्कार या ठिकाणी छोटेखानी करावा। ये बनना मोबाइल मोबाइल कौन बनना ये इधर नहीं इधर इधर से बनना उधर मत हाथ लगाना। आप जी स्टॉप कर दो। दोस्तों सारी पंचायत ने हुणी समात मान जा कीता है, वधिया लग्या मैनूं। ते हुण मैं निकल लग्या क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र पिया है। गुरु घर तों आया देख लो, अज आउंदी सारी इधर चंगे इंसान मिल गए जिन्होंने सारा मान सान सम्मान करिया। ते सानूं अगली अपडेट दिंदा मैं अगले स्टॉप ते, तुसीं बने रहियो मेरे नाल।
दोस्तों आज शेर का मैं चलिया महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र काफ़ी अगे आ गया से एक जिते मैं ब्रेकफास्ट किया उतों कुछ पिंड उन्हें रोकिया से मैं मैं खाना खाता सी खिला रहा गलबात की उन्होंने मैनू अपने पिंड की जी पंचायत जगह भी उसे लेके गए सम्मानित किया काफ़ी ज़्यादा प्यार दिता पंचायत सारी आई तो लोग काफ़ी आए हुए इकट्ठे हो गए थे उतों तुरया होया हूँ मैं रास्ते हमारा अगे आ गया मैं कर्नाटका एंटर हो गया मैं पता नहीं थी मैं बोर्ड की फोटो खिंच के लेके आया पर मैं ध्यान नहीं करया भी कर्नाटका एंटर हो गया तो कुछ लोग होंगे जो मिसगाइड कर देंगे नहीं है तो भी महाराष्ट्र जा ये भाई मुझे पीछे मिले थोड़ी देर इन्होंने मुझे पूरा गाइड किया मैंने इनको शेड्यूल दिखाया अपना और हर एक बात बताई भी कैसे आपने जाना है कैसे आपने कद एंटर होना है फिर एंटर कहाँ से कर लो फिर किधर को होना है मतलब पूरा जो होता ना एक मतलब गाइड करने वाला वो वह काम किया भाई ने और जो आज गुरुद्वारा भी है वो भी कर्नाटका में ही है बीदर में गुरुद्वारा जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है हमारा वो भी बीदर में ही है वो भी कर्नाटका में ही है और पहले तो भाई का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे चाय और जलेबी लेकर आया है मैं कह रहा भाई आप ही ले लीजिए थोड़ी देर थोड़ी सी टेस्ट कीजिए और ऐसे बंदे मिलते रहे तो राइड का भी मज़ा आएगा और थोड़ा बंदे को हौसला भी मिलता है जैसे भाई ने हौसला दिया मुझे भी हौसला होता है कि चल बंदा को मिला है कुछ बंदे होते हैं मिसगाइड करने वाले कुछ टीचर भी करते रहते हैं बार बार पूछते रहते हैं अच्छा अच्छा ये चीज़ क्या करना है क्या करना है उनको कुछ पता नहीं होता पर हमारा काम हमने बता दिया निकल लेना बस और आइए भाई से बात करते हैं पहले तो ब्रदर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर करमवीर साइकिलिस्ट पर और आप बताइए अपने बारे में कुछ क्या काम करते हो मेरा नाम किरण है किरण डोंगरे मैं सिविल इंजीनियर हूँ वर्किंग यहाँ पर ही करता हूँ कर्नाटका में करण भाई से मिलकर अच्छा लगा इनका स्टेमिना भी बहुत बढ़िया है आज 1 मंथ से भी ज़्यादा होगा इन्होंने अभी ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बाइसिकल और इनका 4 मंथ का बाकी है अभी टोटल 5 मंथ का इनका ट्रैवल है कितना किलोमीटर होता है आपका टोटल 5 महीने का मेरा 25,000 किलोमीटर है जो कि मैंने टारगेट लेके टूरा था पंजाब अभी 5,300 किलोमीटर मैंने कर लिया था अच्छा लगा आपसे मिलके भी खुशी हुई बहुत अच्छा लगा तो जो गुरुद्वारा साहिब है वो कर्नाटका में ही है जो कर्नाटका में है बीदर में है यहाँ से तकरीबन 50-55 किलोमीटर इतना होगा 50 के अंदर ही तो बाकी जो गुरुद्वारा साहिब है वो शहर में ही है शहर से आउट है शहर से पहले ही है मतलब लग जाएगा आपको शहर में एंटर है 50% हो जाता है काफ़ी संगत वगैरह आते हुए बहुत 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 मैंने वहाँ पर पढ़ाई किया है मैं भी गया था बहुत बार जाता हूँ अभी जैसे कल जो मेरा रूट है मैंने आपको बताया वो रूट कैसे है मतलब आप कुछ बताइए गाइड कल के लिए। कल का रूट इनका ऐसा है कि कल कर्नाटका प्लस महाराष्ट्र है बीदर से निकलेंगे अहमदाबाद होते हुए उमरगा होते हुए सोलापुर जाएंगे आपको और कल का इनका स्टे सोलापुर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई से मिला ऐसे मिलते ऐसे स्थानीय लोग अच्छे मिलते रहे तो राइड का मजा ही कुछ और है जैसे आज मैं गुरुद्वारा साहब से निकला हजूर साहब से तो मैं जब रस्ते में आ रहा था देखिए क्या चीज़ हुई मेरे साथ लोगों ने मुझे पंचायत ने मुझे छोटे से गांव ने मुझे वो कर दिया सम्मान कर दिया सम्मान चिन्ह दे दिया प्यार दे दिया उसके साथ मेरा पूरा हौसला बुलंद हो गया तो लगता है मुझे शायद भगवान सब कुछ करा रहा है और हम करते रहेंगे आप सबके लिए कर रहे हैं सिर्फ पंजाब के लिए नहीं जितनी भी इंडिया स्टेट है सबके लिए कर रहा हूँ मैं मुझे लगता है जब कल जब होगा ये तब हर किसी बंदे को पता लगेगा वो सोचेगा ये बंदा इस साइड को गया था आज कोई जानता नहीं है कल हर कोई जानेगा भी हाँ ये बंदा यहाँ पर आया था खाना खाया था और यहाँ पर बैठा था तो आज अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं कदम मुझे देख के कुछ छोटे बच्चे जो वो भी करेंगे इंस्पायर होंगे साइकिल चलाएंगे हर एक फील्ड में मैं तो हर एक फील्ड को सपोर्ट करता हूँ जैसे हॉकी मैं कुछ प्लेयर रहा हॉकी का मेरे भाई कजन ब्रदर धर्मवीर सिंह हॉकी प्लेयर गगनदीप सिंह हो गए और गुरजिंदर सिंह और काफ़ी हॉकी प्लेयर हैं जो मेरे साथ खेल भी चुके हैं और मेरे साथ कॉन्टैक्ट में भी है मेरा बस यही मोटिवेशन है कि मैं ये चीज़ कर उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा भी मैं हर पर्सन हर लोगों को स्पोर्ट्स और फिटनेस के रिलेटेड
चीज़ें बताऊं और अच्छी चीज़ें बताऊं। तो आप सब तो मैं मिलता हूँ आगे, तो आप सब मेरे साथ बने रहना और मेरा चैनल करमवीर साइक्लिस्ट को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ करना और कमेंट जरूर देना, और आपको मिलता हूँ मैं आगे, आप बने रहना मेरे साथ। दोस्तों कर्नाटका के जिहड़े शहर च पहुँचना सी उस छोटे शहर च पहुँच चुके मैं, मैंने नाम चेते नहीं रहा। तो इत्थे पूरा 160 किलोमीटर हो चलिया अज राइड का। हुण इत्थों जिहड़ा अगला जिहड़ी लास्ट स्टॉप है गुरद्वारा साहिब 25 किलोमीटर रह चुके और उदों तो मैं लगता कम ज़्यादा घंटा लगेगा ज़्यादा तो ज़्यादा। कोशिश यही है अज छुट्टी है दिवाली करके ट्रैफिक घट है तो वधिया लग रहा मैं ट्रैफिक, क्योंकि अज ज़्यादा मिल जाती तो शायद काफ़ी टाइम हो जाना थी। एक हाईवे बहुत घेंट आ, सारा हाईवे अज फर्स्ट क्लास मिले है, वधिया राइड हुई है तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिले है, ऑन द बेस्ट भी कह रहे, लोग खड़ भी रहे तो पुछ भी रहे कितों आए हैं कर्नाटका के, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा अज तो तुम बने रहो जी, मिलते हैं लास्ट स्टॉप पे। सतगुरु प्रसाद वाहिगुरु गगन में ताल रव चंद दीप पवन तारका मंडल जनक मोहनी रूप मल आन पवन चरो कर सगल बन राम अनंत मन अन दिन होए आई प्यास कृपा जल देर नानक सारंग को होए जाते तेरे नाल वासा नाम तेरो यार ती मदन मुरारे हर के नाम बिना जंगल रस जप नाम तुझे पुकारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा तेरा दोस्तों दरबार साहब दर्शन कर आया मैं, काफ़ी वधिया गुरद्वारा साहब आ नानक झील, बहुत ही ज़्यादा दिल लगता है, शांत गुरद्वारा, बड़ी वधिया शांत है, बड़े लोग आए हुए हैं पंजाब तो भी, जिहड़े इत्थे लोकल लोग भी आते हैं, हर शहर चो आते हैं तो काफ़ी सारा पसंद करते इस गुरुद्वारा साहब लोग। मैं भी पहली बार आया तो काफ़ी वधिया लग्या मैनू, मैनू पता नहीं सी भी हजूर साहब तो इलावा अगे भी इतिहासिक गुरुद्वारा साहब आ, क्योंकि घरों कभी निकले नहीं बाहर ना घूमे फिरे आ, चलो किसी बहाने राइड दी साइकिल दे बहाने गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी हो जा रहे हैं। तो इत्थे कल हूँ शोलापुर जाना है जिहड़ा कि काफ़ी दूर काफ़ी लंबा सफ़र होना है, क्योंकि गोवा नूं जाना है 9 तरीक नूं गोवा दे विच एंटर हो जाना मैं, तो उस तो बाद गोवा दे विच भी 9 दिन लंबे हैं मैं, राइड उत्थे भी करनी है, काफ़ी सफ़र उत्थे भी करना है। अज दी राइड काफ़ी वधिया रही, बाकी तुहानूं मिलदा है कल मैं, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं मेरे नाल जुड़े हुए है जी, चंगा जी, सत श्री अकाल जी।